सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की एक नई भर्ती के बारे में, यानी कि रेलवे की ALPN टेक्नीशियन की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें कुल मिलाकर टोटल 29,000 से प्लस पदों पर आपकी भर्ती होनी है। तो पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अगर आप भी ALPN और टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आप सभी को यहाँ पे जो इसकी मेन चीज है वो क्लियर कराते हैं, जिसमें सबसे पहली जो बात आती है वो बात आती है एज लिमिट की, कि इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है। तो यहाँ पे एज लिमिट के लिए अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से 28 साल के बीच में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी कैंडिडेट 18 से 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 18 से 33 साल तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है इसका एज क्राइटेरिया। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल, मैक्सिमम 28 साल यहाँ पे होना चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए यहाँ पे सेम रहता है। बाकी की जो कैटेगरीज रहेंगी उन सभी कैटेगरी के लिए मैंने आप सभी को बता दिया कि क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अलावा जो सेकेंडरी चीज आती है वो आती है आपकी क्वालिफिकेशन, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और आप सभी को बता दें कि रिसेंटली रेलवे ने इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में चेंज कर दिए हैं। पहले आप टेक्नीशियन के लिए 12th पास अगर PCM के साथ अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते थे, बट अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं टेक्नीशियन के लिए भी। अगर हम बात करें तो देखो, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं ALPN यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास ITI होना जरूरी है, यानी कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन हो वो तो आपके पास 10th पास होनी चाहिए प्लस आप सभी के पास ITI होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियर आप सभी को बता दिया गया है कि कौन कौन से ट्रेड में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर जैसे आप सभी ने ये ITI नहीं कर रखा है और यहाँ पे आपके पास 10th पास है और साथ ही में आपने अप्रेंटिस कंप्लीट कर रखी है किसी भी ट्रेड में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि अब ये भी कर दिया गया है कि डिप्लोमा की जगह अगर आपने डिग्री भी ले रखी है, जैसे आपके पास BTech है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि इन स्ट्रीम में अगर आपने इंजीनियरिंग में कर रखा है किसी भी इंस्टीट्यूशन से ITI की जगह तो भी आपका चल जाएगा। साथ ही में आप सभी को यहाँ पे जैसे क्लियर कर दिया गया कैंडिडेट विद डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मेंशन एवर कैन आल्सो अप्लाई। तो यहाँ पे पहले डिग्री का थोड़ा सा कंफ्यूजन था, डिग्री का भी क्लियर हो चुका है तो BTech MTech वगैरह कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे RRB टेक्नीशियन, तो RRB टेक्नीशियन के लिए पहले क्या था कि जैसे कि अगर आपने 12th पास कर रखा है विद PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ अगर आपने 12th पास किया है तो आप RRB टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट अभी की कंडीशन में ये रहेगा कि मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास आप होने चाहिए, साथ ही में आपने ITI कर रखा है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सेकेंड कंडीशन आपके पास रहेगी 10th प्लस अप्रेंटिस आपने कंप्लीट कर रखा है रिलेवेंट ट्रेड में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन का सिंपल सा फंडा ये है कि 10th पास प्लस ITI वाले कैंडिडेट या फिर अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट, या फिर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, फिर या आपने इंजीनियरिंग में कोई डिग्री ले रखी है रिलेवेंट ट्रेड में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डिग्री है या ITI है तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप ELP यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे CBT 1, CBT 2, फिर आपका CBAT होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड आपका टेस्ट करवाया जाता है, फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो CBAT वाला होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे स्टेज 1 का CBT, फिर स्टेज 2 CBT और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका होता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टोटल आपका ALPN का 4 स्टेज में रहेगा और टेक्नीशियन का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 3 स्टेज में डिवाइड रहेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे स्टेज 1 का जो आपका CBT रहेगा कि इसका सिलेबस क्या होता है, तो यहाँ पे आप इसका सिलेबस देख सकते हैं कि टोटल आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, 75 क्वेश्चन आपके रहते हैं। 60 मिनट में आपको ये
सॉल्व करने होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये जो पेपर रहता है वो 75 क्वेश्चन का पेपर आपका रहता है, जिसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो ये भी आप सभी को याद रखना है, 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है और ये आपका क्वालिफाई होता है, तभी जाके आप दूसरे स्टेज में पहुंच पाते हैं, वो वाला एग्जामिनेशन दे पाते हैं। अगर हम स्टेज टू की बात करें तो ये सीबीटी का स्टेज टू है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट बी रहता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर्स को आगे नहीं जोड़ा जाता है, तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसमें आपके 75 क्वेश्चन रहते हैं और 60 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिस ट्रेड से भी अप्लाई कर रहे हैं, उसी के रिलेवेंट क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाते हैं। तो ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बाकी का जो पार्ट ए है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स दिए जाएंगे, इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का रहता है और ये 60 मिनट का आपका रहता है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहता है, और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप सभी को टोटल पूछे जाते हैं। तो इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, और जब आप स्टेज वन और स्टेज टू को क्वालिफाई कर लेते हैं तो एएलपी के लिए फिर आप क्वालिफाई होते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। ये ओनली फॉर एएलपी है, ये आप सभी को याद रखना है। और ये जो आप सभी का होता है सीएबीटी, इसमें आपको 42% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने होते हैं, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। और इसी के बेसिस पे फिर आपकी फाइनल में मेरिट लिस्ट बनती है, और जो मेरिट में आते हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है। तो ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे एकदम से क्लियर हो गया। सिलेबस आपने देख ही लिया है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है तैयारी करने की, तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बुक आप सभी को मिल जाती है। वन ऑफ द बेस्ट लेवल का कंटेंट यूज किया गया है, आप सभी को पता है किरण पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन है, जो कि आप सभी को बेस्ट कंटेंट देता है। अगर हम रेलवे के लिए सामान्य अध्ययन की बुक की बात करें तो भाई खान सर के द्वारा ये बुक तैयार की गई है, जिसमें आप सभी को 27,000 प्लस यहाँ पे फैक्ट सम्मिलित किए गए हैं। सार संग्रह के नाम से ये बुक आप सभी को मिल जाती है, जिसमें 1992 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, जिससे आपकी तैयारी सामान्य अध्ययन की बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो जाती है। और साथ ही में अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ये आपको सॉल्व पेपर मिल जाते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन 1996 से लेके अब तक, और इसमें आपको 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो ये चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आप सभी को दिया गया है, सॉल्व पेपर डिटेल वाइज आपको मिलेंगे। 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी को दिए गए हैं 1996 से लेके अब तक। और आप सभी को बता दें कि इन बुक का यूज आप रेलवे ग्रुप डी के साथ भी कर सकते हैं, रेलवे टेक्नीशियन एएलपी के लिए भी कर सकते हैं, आरपीएफ के लिए भी कर सकते हैं। इन सभी बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो बाकी के कैंडिडेट से पहले ही आपको अपनी तैयारी में जुड़ना पड़ेगा, और जब सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं तो आपको अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाना चाहिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, फटाफट से बुक को ऑर्डर करके अपनी तैयारी में जुड़ जाएं। साथ ही में मेडिकल वगैरह आप सभी जानते हैं कि ईएलपी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो मेडिकल आपका अच्छे लेवल का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो जांच होती है वो आपकी आंखों की होती है, जो कि प्रॉपर तरीके से चेक की जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर या फिर माइनॉरिटी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए यहाँ पे फीस होती है। बाकी का अगर हम यहाँ पे बात करें अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 500 रुपए फीस रहेगी। जैसे कि अगर हम बात करें कौन कौन सी कैटेगरी बची, जनरल और ओबीसी, तो जनरल ओबीसी को 500 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। तो 250 और 500 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस जाती है, जिसमें से ये 250 रुपए आपकी 100% रिफंड आ जाती है। साथ ही में यहाँ पे आपकी 400 रुपए एप्लीकेशन जो फीस होती है वो रिफंड आ जाती है, इसमें केवल 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस लगती है। बाकी की ऊपर वाली जो कैटेगरीज है उन सभी की 250 रुपए ये रिफंडेबल होती है। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो आपके 250 रुपए और दूसरी वाले कंडीशन में 400 रुपए आपके रिफंड कर दिए जाते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने आप सभी को शेयर कर दी। अब यहाँ पे जो बात आती है वो बात आती है वैकेंसी की, कब आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। तो देखिए आप सभी को बता दें कि रिसेंटली यहाँ पे रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, डेटेड देख सकते हैं 11/12/2023 का नोटिस है। भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी कि किसके संबंध में इस नोटिस को जारी किया गया है। तो नीचे चल लेते हैं हिंदी वाले पे, तो हिंदी का मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय लेवल 2 में सहायक लोको पायलट के पद पर सीधी भर्ती के लिए
न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के संबंध में स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि पहले जब आपकी जो भर्ती निकाली गई थी उसमें क्या था, बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं थी, जिससे कि ये क्लियर नहीं हो पाता था कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और क्लियर कर दिया है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब आपका जो स्टेज की अगर हम बात करें कि यहाँ पे भर्ती के बारे में लगभग सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, इनकी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है कि क्या क्वालिफिकेशन के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 284 सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता बता दी गई है कि मैट्रिक पास और इसके साथ क्या होना चाहिए कि व्यवसाय में आईटीआई एक्ट अप्रेंटिस अगर आपने कंप्लीट कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आईटीआई के स्थान पर यांत्रिक बिजली इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल्स में इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो ट्रेड रहेंगी वो ट्रेड आप सभी को बता दी गई है कि कौन कौन सी ट्रेड में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ट्रेड आप सभी को दे दी गई है। साथ ही में आईटीआई के स्थान पर मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग विषयों में ट्रेड की विभिन्न शाखाओं के संयोजन की अनुमति होगी। साथ ही में इंजीनियर में डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग विषय में डिग्री भी स्वीकार होगी, तो यानी बीटेक वगैरह के लिए वो सारी चीजें क्लियर कर दी है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम चले तो यहाँ पे आप सभी ये मान सकते हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर मैक्स टू मैक्स आपकी जो वैकेंसीज है वो रिलीज कर दी जाएंगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से यह सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप सभी को भी अपनी तैयारी में जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम रेलवे एएलपी की बात करें तो रेलवे एएलपी एक ड्रीम जॉब है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल एएलपी के लिए जीते मरते हैं, उनका ड्रीम जॉब यही है कि कैसे भी भाई एएलपी की जॉब हमें मिल जाए। तो अब आपका जो सपना है वो ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है और एक दिन आपका ये सपना पूरा होने वाला है। तो जल्दी से अपनी तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी हो सकता है जनवरी के आसपास ये वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को ही लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था और इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने अब सारी चीजें क्लियर कर दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से इसके क्लियर इंस्ट्रक्शन जारी हो चुके हैं कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चाहिए। तो अब आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकती हैं, तो तैयारी में जुट जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।